हे एवरीवन, वेलकम टू द मोर यू नो चैनल। दिस इज गौतम। आइए शुरू करते हैं। कीवर्ड रिसर्च टूल में बेसिकली आपको किसी कीवर्ड की इन्फॉर्मेशन या डिफ़िकल्टी के बारे में पता चलता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि उसका रैंकिंग करवाना इजी है या डिफ़िकल्ट। अगर आप न्यू यूट्यूबर या ब्लॉगर है तो आपको एक टूल की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है कीवर्ड रिसर्च टूल। कीवर्ड रिसर्च टूल के बिना आपकी ब्लॉगिंग वेबसाइट या यूट्यूब चैनल का बढ़ना काफ़ी मुश्किल होता है। तो आइए मैं इसके बारे में थोड़ा बताता हूँ कि पहले क्या होता था। जब भी आप यूट्यूब पे वीडियोस डालते थे तो यूजुअली ऑर्गेनिक व्यूज़ आते थे। ऑर्गेनिक व्यूज़ आपके हो गए काइंड ऑफ थर्ड पार्टी व्यूज़ कि इसके लिए आपने थोड़ा एफर्ट नहीं किया, आपने वीडियो अपलोड की और वो व्यूज़ आ गए। अब अगर आपको कम से कम इन्वेस्टमेंट में अपना ब्लॉगिंग वेबसाइट या यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है तो उसके लिए आपको कीवर्ड रिसर्च टूल की ज़रूरत पड़ेगी। आपने सुना होगा AHREFS या सेमरश के बारे में। तो आइए हम बात करते हैं ये क्या है और ये कैसे काम करता है। यूजुअली जिन टूल्स के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ इनकी मार्केट वैल्यू अगर आप किसी वेबसाइट में जाके चेक भी करेंगे तो ये 7 से 70 हज़ार तक की पड़ती है। और एज अ न्यू ब्लॉगर या वेबसाइट मेकर ये मुश्किल होता है हमें इन्वेस्ट करना। तो बेसिकली पहले मैं आप लोग को इन वेबसाइट्स पे लेके चलूँगा, पूरी डिटेल पे इनका बताऊँगा कि ये काम क्या करती है। और मैं जानता हूँ 7 हज़ार से 70 हज़ार रुपये खर्चना काफ़ी मुश्किल हो सकता है, तो मैं आपको एक अल्टरनेट भी बताऊँगा इसका जो कि आप यूज़ कर सकते हैं जिससे आपका चैनल या फिर आपकी वेबसाइट ग्रो करे। तो आइए मैं आपको इस जर्नी पे लेके चलता हूँ अपने साथ, लेट्स गो। जो ये कीवर्ड रिसर्च टूल है ये करते क्या हैं, ये आपको एक आइडिया देते हैं कि जो आप वीडियो डालना चाहते हैं वो कहाँ रैंक करती है। तो लेट्स सपोज़ जैसे आप डालने चाहते हैं वीडियो किसी इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बारे में। अब आपको अगर राइट कीवर्ड्स नहीं पता होंगे तो ये हो सकता है कि वो यूट्यूब पे रहेगी तो हाँ व्यूज़ भी मिलेंगे पर इतने नहीं मिलेंगे जितने मिलने चाहिए। तो इस चीज़ में कीवर्ड रिसर्च टूल आपकी बहुत ज़्यादा मदद करता है। का मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज आपने एक वीडियो बनाई इंस्टाग्राम के बारे में और आपने उसको यूट्यूब पे अपलोड किया। अब अगर आपको राइट कीवर्ड की नॉलेज नहीं होगी तो यूट्यूब उस वीडियो को रिकमेंड नहीं कर पाएगा, और अगर वो रिकमेंड नहीं होगी तो उससे आपको ज़्यादा ऑर्गेनिक व्यूज़ नहीं मिलेंगे। तो पर्सनली मैं आपको सजेस्ट करूँगा AHREFS जो कि काफ़ी एक ईजी और रिलायबल टूल है। तो आइए मैं आपको उसकी नॉलेज देता हूँ और चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एज प्रॉमिस्ड हम आ गए हैं AHREFS की वेबसाइट पे। तो आप यहाँ पे प्राइसिंग देख पा रहे होंगे कि जो कि है 7 दिन के लिए ट्रायल वो है $7, जो बेसिकली आपको इंडियन करेंसी में 500 रुपये पड़ेगा। अब आइए हम देखते हैं कि ये और हमें क्या क्या ऑप्शन देता है। तो हम जाएंगे प्राइसिंग पे। प्राइसिंग पे ये हमें 4 डिफरेंट ऑप्शन देता है मंथली पैकेजेस के, जो कि है एक 99 का, एक 179 का, 399 का और 999 का। ये है डॉलर्स में, तो इंडियन करेंसी के हिसाब से हमें ये 7 हज़ार से 70 हज़ार का पड़ेगा। अब एज प्रॉमिस मैं लेके चलता हूँ आपको इसके ऑल्टरनेटिव पे, जो मैंने प्रॉमिस किया था कि सस्ता और इजी ऑप्शन। तो ये है वो वेबसाइट। अब क्या करना होगा, यहाँ पे आपको एक साइनअप करना होगा। साइनअप करके आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप इस पेज पे आ जाएंगे। तो जैसे ही आप इस पेज पे आएंगे आपको यहाँ पे 20 डिफरेंट टूल्स दिखेंगे जो कि आप खरीद सकते हैं। अब ये चॉइस आपके ऊपर है कि आप कोई सेपरेट टूल खरीदना चाहते हैं या फिर आप 20 के 20 खरीदना चाहते हैं। अगर आप 20 के 20 खरीदना चाहते हैं तो ये पड़ेगा आपको 599 मंथ का, दैट इज इन रुपीस। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ AHREFS की साइट पे। तो उसके लिए आपको यहाँ आना होगा, यहाँ पे क्लिक किया। अभी आपको सारी डिटेल्स देगा इसके बारे में और उसके बाद आपको जाना है क्लिक हेयर टू एक्सेस AHREFS। अब यहाँ पे आप डिफरेंट ऑप्शंस देख पा रहे होंगे टॉप लेफ्ट में, साइट एक्सप्लोरर, कीवर्ड एक्सप्लोरर, कंटेंट एक्सप्लोरर। तो ये आपकी चॉइस के ऊपर है कि आप क्या एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो बेसिकली हमारा इस वीडियो का ये पर्पस है कि हम वीडियो के यूट्यूब के बारे में बताएं। तो आइए हम चलते हैं कीवर्ड एक्सप्लोरर। आप जैसे ही कीवर्ड एक्सप्लोरर पे पहुंचेंगे ये आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिखाएगा कि आप कहाँ पे सर्च करना चाहते हैं। तो एज प्रॉमिस्ड हम करेंगे यूट्यूब में सर्च। तो हमारा सर्च था कि हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे, ये है आपका कीवर्ड हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन। अब यहाँ पे इसके टॉप बॉटम राइट पे आप देख पा रहे होंगे
आप कंट्री भी चूज कर सकते हैं कि आप किस कंट्री के बेसिस पे करना चाहेंगे। तो टाइप किए यहाँ पे, जैसे हम इंडिया के लिए करना चाहते हैं कि इंडिया में यहाँ पे डालेंगे हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन और सर्च करेंगे, तो ये बेसिकली दिखाएगा कि इंडिया में इस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम कितना है। तो आइए सर्च करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इंडिया में इसका सर्च वॉल्यूम है 33,000। ये आपको ये बताता है कि जो आप एक टर्म यूज कर रहे हैं वो किस कंट्री में कितना एक्सेस होता है वो कीवर्ड। जैसे कि आप हिंदी में वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप देख पा रहे होंगे इंडिया में है 33K। तो उस हिसाब से आप हिंदी में बनाएंगे तो आपको पता है कि हाँ, कि अगर मैं ये इस नाम से एक वीडियो अपलोड करता हूँ तो उस पर व्यूज़ आएंगे। और जो ये कीवर्ड है ये आप अपनी वीडियो के मेन टाइटल में यूज़ कर सकते हैं उसका नाम। उसके बाद आते हैं टैग्स। अब टैग्स क्या करते हैं कि लेट सपोज हमने नाम रखा वीडियो का हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, अब इसके रिलेटेड और सर्च टर्म्स क्या है, तो आप उसको टैग्स में डाल सकते हैं। तो आइए हम थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे हैविंग सेम टर्म्स, तो इस टैग को आप अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं कि ताकि आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम ऑर्गेनिक व्यूज़ मिले और सर्चेस। ये था इस टूल की पूरी इन्फॉर्मेशन। तो अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए अपने वीडियो से रिलेटेड, उसको ऑर्गेनिक व्यूज़ कैसे ज़्यादा लाने हैं, टॉप पे कैसे रहे, कि आपकी मेहनत एट द एंड ऑफ द डे सफल रहे। तो यूजुअली होता क्या है आज के टाइम पे यूट्यूब पे व्यूज़ लाना इतना आसान नहीं है। और अगर आपको नहीं पता कि आपको क्या वर्ड यूज़ करना चाहिए जो कि है कीवर्ड, तो ये टूल यूज़ कीजिए। और ये एज अ न्यू यूट्यूबर और अ न्यू ब्लॉगर बहुत हेल्प करेगा, कि क्योंकि देखिए ना तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और ना तो एफर्ट ज़्यादा है, और पूरे वर्थ इट भी है। तो आप देख पाएंगे। अगर आप मेरे को नहीं मानते हैं आप खुद इस वेबसाइट पे जाके दे सकते हैं। वेबसाइट का लिंक जैसे मैंने आपको बताया वो डिस्क्रिप्शन पे है। इसको कम से कम 200,000 लोग यूज़ कर रहे हैं इस वेबसाइट को। और एक चीज़ और मैं आपको एज अ डिस्क्लेमर बताना चाहूँगा, एज अ नोटिस भी कह सकते हैं आप, कि जो लिंक हमने शेयर किया है डिस्क्रिप्शन पे उसी पे जाएं, किसी थर्ड पार्टी लिंक पे मत जाइएगा, क्योंकि बहुत सारे स्कैम होते हैं, बहुत सारी फेक चीज़ें होती हैं। तो ज़्यादा बड़ी बात नहीं है कि आप किसी और वेबसाइट पे गए और आपने उसमें पैसे डाले और आपको टूल का एक्सेस भी नहीं मिला। तो याद रखिएगा कि इसके थ्रू ही जाएं ताकि आप सेफ सिक्योर काम कर सकें और आप बढ़ सकें। तो सारे ब्लॉगर और यूट्यूबर ऑल द बेस्ट, गुड बाय।